कश्मीर धरती का स्वर्ग, जहां नदियां हैं, पहाड़ हैं, वहां वादियां हैं और मौसम गुलजार है। लेकिन कश्मीर में ही कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अपने अंदर दर्द समेटे हैं, ऐसे घाव जो ताजे नहीं हैं, जो पुराने हैं इतने कि अब नासूर बन चुके हैं। धारा 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर की स्थिति में सुधार हुआ है। जो दशकों से नहीं बल्कि सदियों से अपने हक की लड़ाई लड़ते आ रहे थे, उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई है। लेकिन काफी समय से जो हक उनके मारे गए हैं, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? गोरखों की बात हो या वाल्मीकि समाज का दर्द, महिलाओं की बात हो या फिर रिफ्यूजियों की शर्म, हर एक दर्द को पन्नों पर बहुत खूबसूरती से उकेरा है डॉक्टर आशा नैथानी दायमा जी ने, जिन्होंने अपनी एक किताब जम्मू कश्मीर सच तो यही है के माध्यम से कश्मीर के कुछ अनछुए और दर्दनाक पहलुओं से रूबरू करवाया है। आशा जी कश्मीर के उस दर्द को बेहतर तरीके से समझती हैं, तो चलिए जानते हैं कश्मीर की कहानी आशा जी की जुबानी। आशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली बज इंडिया में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आपकी किताब जम्मू कश्मीर सच तो यही है, ये लिखने का विचार कैसे मन में आया? अब इन कहानियों की कहानी बड़ी लंबी है जी। थोड़ी बताऊं तो हुआ ये कि वैसे मैं पढ़ा रही थी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में जी, वहां 30 साल से ज्यादा मैं पढ़ा रही थी, वहाँ वाइस प्रिंसिपल थी। कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई में मेट्रो बनना जो शुरू हुआ तो ट्रैफिक का हाल बुरा, एक कोने में कॉलेज, दूसरे कोने में हम, और आने जाने में बहुत वक्त लगने लगा था जी। और फिर मुझे ऐसे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए। एक दिन फैसला कर लिया कि बस बहुत हुआ और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। जम्मू कश्मीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर, एक ऐसा राज्य है कहना चाहिए, हमेशा एक उत्सुकता रहती है। जी बिल्कुल। वो काफी कुछ पढ़ती लिखती रहती थी उस बारे में और काफी रिसर्च कर रही थी। पर एक दिन मेरी बहन डॉक्टर प्रतिभा नैथानी, वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हैं, उनसे बात कर रही थी। बात 370 की हो रही थी और मैं शिकायत कर रही थी, क्या ये 370, क्या अनुच्छेद है, ये है वो है। तो कहने आशा दीदी तो 370 की बात कर रही है, 35 है तो और खतरनाक है। अब ये बात कर रही हूँ मैं 16-17 की, 2016-17 की, जी, जब ये हटे ही नहीं थे। आम लोगों को 35A तो कुछ पता ही नहीं था हम लोग। बिल्कुल। फिर उसने कुछ किताबें दी, ये पढ़ो, कुछ सेमिनार में गई और फिर सारा कुछ इतना भयानक लगने लगा मुझे, 35A जो कुछ कर रहा है। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं निकल पड़ी, फिर वहां आती जाती गई। और ये जो 35A के विक्टिम्स हैं, शिकार हैं जो उस के, उनसे मिली और पूरी एक अलग दुनिया मेरे सामने आ गई। यानी ये लगने लगा कि हमने अपने देश से, देशवासियों से, अपने आप से, दुनिया से कितना झूठ बोला है कश्मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर। वहां स्थिति बहुत खराब, इन लोगों, कल्पना करो कि देश को आजाद हुए 70 साल हो चुके हैं और अभी तक इन लोगों के पास न कोई अधिकार थे, न ये इनके बच्चे प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, न ये वोट दे सकते हैं, घर बना सकते हैं। यानी गुलामों की जिंदगी 4 पीढ़ियां यहाँ जी रही थी जी। तो वो बेचैनी इतनी बढ़ गई। और फिर मुझे लगा कि एक शिक्षिका होने के नाते अपने आप को प्रबुद्ध महिला मानती हूँ, पढ़ी लिखी महिला हूँ, और फिर मैंने कहा ये झूठ कब तक चलेगा। बिल्कुल। तो लोगों के सामने कुछ सच तो लाना ही पड़ेगा। तब इन कहानियों का, उन लोगों से जो कुछ मिलती थी, बातें होती थी जी, जाकर ये कहानियां बनी हैं जी। आपने जो कहानियां लिखी हैं, आपने रिफ्यूजियों का वहां पर दर्द बताया है कि अपने ही देश में कैसे वो बेगाने हैं, गोरखों का जिक्र किया है कि वो 1816 से यहाँ पर आके बसे हुए हैं लेकिन अभी तक भारतीय नहीं कहला पाए हैं। आपने प्रीतियों की कहानी बताई है, वाल्मीकि समाज की कहानी बताई है कि कैसे वो लोगों का मल उठाते थे, एक नेक काम करते थे लेकिन उनको हे दृष्टि से ही देखा गया, महिलाओं की कहानी। तो सबसे पहले आपकी पहली कहानी की बात करेंगे जिसमें आपने रिफ्यूजियों का दर्द उकेरा है, जयप्रकाश की कहानी है। मैं आपके पाठकों से जरूर कहूंगी कि उसको अगर वो ध्यान से पढ़े तो उस कहानी की आखिरी जो लाइन है जिसमें जयप्रकाश जो है वो अपने 80 की उम्र में आकर पागल हो चुके हैं और आखिर में आपकी स्टोरी खत्म होती है, यहाँ सब बेपर्दा है, वो एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी का मर्म कहती है। उस बारे में बताएं कि रिफ्यूजियों की क्या स्थिति है जम्मू कश्मीर में। मैंने कहानी का नाम रखा यहाँ सभी बेपर्द हैं। बेपर्द हैं यानी उर्दू का शब्द है, ये जिनके
जिन पर कोई पर्दा नहीं है। अब ये जी कहूँ सब नंगे हैं तो बड़ा हार्श सुनाई देता है, इसलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया बेपर्द, यहाँ सभी बेपर्द हैं। जी स्थिति इसलिए मैंने कहा कि वहां इतनी बुरी है। अब मेरा ये जो पात्र है जी जयप्रकाश, इस जी समय वो 83 साल का है जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ 2017 में। जिन लोगों से मैं मिली, यानी सबसे बुजुर्ग जो जिनसे मैं मिली वो करीब 109 साल के गुलाबो राय से मिली, जी गुलाबो राम, 86 साल की विद्या देवी जी प्रीतो हैं, कितने यानी 80+ वाले बहुत से लोगों से मैं मिली, छोटे छोटे बच्चों से, नौजवानों से, और फिर ये लगता रहा कि देश के इतिहास से मिल रही हूँ जब इन बुजुर्गों से मिल रही थी। जी और उन लोगों से बात करना, उनको सुनना, इतिहास को सुनना था, है ना, वो बिल्कुल धुंधली पड़ी आंखें, हाथों की नसें फूली हुई, वो कांपते से शब्द, वो झुके हुए कंधे, इतना दुख उन लोगों ने सहा है सरहद के उस पार से अपने देश आने के लिए। वहां लगा कि यहाँ अब हमारा कोई नहीं है, कहाँ जाएं हम, और इसलिए वो इस पार आ गए आजाद भारत में। और देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, वो नहीं लेकिन आजाद हो पाए। ये सारे जो हैं उन्हें, यानी बाकी पूरा देश आजाद है, लेकिन जम्मू कश्मीर में, मैं ना हमेशा ये बात कहती हूँ गुरांचे की, उस पार से लाल कृष्ण आडवाणी जी आए, इतने सम्माननीय व्यक्ति, मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर इंद्र कुमार गुजराल जी, ये तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, जी जी विपार्टिशन में ही आए थे जी, और जयप्रकाश जैसे हजारों हजारों परिवार लोग जी आए, और यहाँ आकर चूंकि वो जम्मू कश्मीर में बस गए, इसलिए उनकी 4 पीढ़ियां, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले तक ये सब शरणार्थी ही कहलाते थे, वेस्ट पाकिस्तानी शरणार्थी। इमेजिन, ग्लोबल लेवल पर तो वेस्ट पाकिस्तान है ही नहीं, जी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जी जी पर ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी ही कहलाते हैं। तो बहुत दर्दनाक स्थिति थी इन लोगों जी से मिलना, इनसे बात करना। मैं तो उनको सुनने के बाद, मिलने के बाद रात रात भर सो नहीं पाई जब उनसे बिल्कुल बातें जिस हो। तरीके से वो कहानियां मैंने पढ़ी हैं और वो कहानियां अपने आप में एक दर्द कहती हैं। आशा जी आपसे जानना चाहेंगे, जो आपने अपने किरदारों के नाम दिए हैं, जयप्रकाश है, प्रीतो है, ये सब वाकई असल में किरदार थे या सिर्फ काल्पनिक थे? क्योंकि अगर ये असल में है तो वाकई ये फिर रोंगटे खड़े कर देने वाले किरदार हैं सारे। गौरांशी, मैंने इसीलिए कहानियां लिखी, उससे पहले मैंने किताब का नाम सोच लिया था। जी सच तो यही है, तो मेरे सारे किरदार जो हैं जी वो वही हैं, मैंने नाम बदले हैं, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि हालांकि मैंने जो कहानियां लिखी हैं उन किरदारों से पहले पूछा है। सिर्फ जी एक कहानी है, हमारा हीरो है ये, उस व्यक्ति को घारू उसका नाम है, और उससे इजाजत लेने के बाद मैंने उनका वही नाम रखा है और कहानी वही लिखी है। बाकी ये पात्र जीवंत पात्र हैं, इसी तरह के लोग हैं, मैंने सच ही लिखा है जो कुछ लिखा है, और कुछ चीजें नेचुरली आप इतिहास नहीं लिख रहे हैं, आप एक कहानी लिख रहे हैं, तो इसलिए कुछ चीजें डेफिनेटली बदली हैं, पर जो कुछ घटनाएं हैं वो वो सारी सच है। सच हैं। आपने प्रीतो जयप्रकाश की कहानी नाम कही है जी, बदला है। जी आपने प्रीतो की कहानी कही है जिसमें अपने वाल्मीकि समाज के दर्द को पन्नों पर उकेरा है, क्या वाकई अभी भी वो वहां पर ऐसी जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर है? स्थिति में कुछ सुधार आप देख पा रही हैं? सिवाय इसके कि अब वो मल सिर पर नहीं उठाते हैं, मैला सिर पर नहीं उठाते, बाकी सारी स्थितियां वही हैं जो मैंने लिखी हैं। और लिखना यानी आपकी लेखनी में वो ताकत नहीं होती है कि आप सच को पूरी तरह से इतना लिख सके, स्थिति इतनी खराब है, वो गजबजाती नलियां, वो गंदगियां, और सबसे बुरा जो लगता है गौरांची वो है वहां के नौजवानों को देखना, पढ़े लिखे हट्टे कट्टे नौजवान सिर्फ इसलिए सड़क पर झाड़ू लगा रहे थे क्योंकि वो वाल्मीकि समाज से हैं। एक एक बात कि मुझे इतनी खुशी है, मैं अभी भी उन लोगों के संपर्क में हूँ, और एक इतना अच्छा लगा, अब इस साल का 12th का रिजल्ट आया है, और मैं इस समय नाम भूल रही हूँ उस लड़के का, उसके 98% आए हैं, 98% आए हैं, और उसकी माँ, यानी सारे
वाल्मीकि समाज में ऐसा उत्साह है ना, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है कि अब इस लड़के को अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, एडमिशन मिलेगा और वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकेगा, क्योंकि इतने सालों तक, 73 सालों तक कभी किसी ने इनकी सुध नहीं ली। कितना अवसाद रहा होगा आशा जी, कितना अवसाद, कितना दर्द कि आप पढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया वहां पे एक लड़की की कहानी बताई, पूरे वाल्मीकि समाज को लगा अब ये लड़की छा जाएगी, लेकिन आखिर में उससे कार्ड मांगा जाता है और वो कार्ड ना दे पाने की वजह से कितने सपने टूटे होंगे। और उस राधिका का मेरे लिए फोन आया जब उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गया। राधिका की बात हो, वो राधिका राधिका ही है, उसका नाम मैंने नहीं बदला, क्योंकि उस लड़की से मिलना इतना डिस्टर्ब हो गई मैं। जिस दिन वो मिलने आई थी, हम घारू के घर पर बैठे हुए थे और उन्होंने बुलाया था उसे अपने सारे मेडल्स अपने सर्टिफिकेट्स लेकर, और जिस समय वो बात कर रही थी ना, उसकी वो डबडबाई आंखें, सन 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 लाल होते हुए गाल, मुझे लगा मैं क्या दे दूं इस बच्चे को, मैं क्या कर दूं इस बच्चे के लिए। और वो उसके तो फिर ना आंसू टपकने लगे बात करते करते। जो लड़के नौजवान वहां पर बैठे हुए थे, कोई LLB है, किसी ने BSc किया है, MCOM किया है, झाड़ू लगाने के लिए यानी और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। और फिर जब ऐसे नौजवान बैठे होते हैं, ना तो वो रो पा रहे हैं, ना अपनी बात कह पा रहे हैं, रुंधे गले से, मैं रोती थी पर मुझे लगता था कि इन बच्चों के साथ जो कुछ ये देश कर रहा है, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं अगर कोई BA पास झाड़ू लगा रहा होता है। यहाँ पे आप जैसे बता रही हैं MCOM BCOM बच्चे सड़क पे झाड़ू लगा रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक वाल्मीकि समाज से आते हैं। कितना दर्द होगा, उनकी कहानी भी कोई नहीं कहता। बिल्कुल, किसी ने 70 सालों तक इनकी बात नहीं की। 1957 में जम्मू, कारण ये था कि 1957 में जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और इसलिए वहां की सरकार ने पंजाब से इन परिवारों को बुलाया था, जी, है ना, जी। कहा हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, न तो सुविधाएं दी गई बल्कि ये कह दिया गया कि इनके परिवारों को सफाई कर्मचारी के अलावा जम्मू कश्मीर में और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। चौथी पीढ़ी आ गई है और अभी भी ये लोग झाड़ू ही लगा रहे हैं। अब जाकर तस्वीर बदली है, और वो भी तब जब वो सबके घर का कूड़ा साफ करते हैं लेकिन उनके अपना जो एरिया है वो नालियों से बजबजाता हो, क्योंकि आपने उल्लेख भी किया है इसका कि आप वहां पे कदम भी नहीं रख सकते अगर आप आम इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपने गोरखा समाज के बारे में बात की है, बताया है कि 1816 से लेकर वो अब तक यहीं पर बसे हुए हैं और बहुत योगदान रहा है गोरखा समाज का हमारे देश में। ऐसे में क्या आपसे ये हम जानना चाहेंगे कि अभी भी जम्मू कश्मीर की सरकारों ने उन्हें अपनाया था? वही तो समस्या है ना कि ये सारे जिन लोगों की मैंने बात की है वो शरणार्थी हैं, वहां के ये सफाई कर्मचारी हैं, वहां की महिलाएं, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध जो भी हो, वहां की महिलाएं या फिर ये गोरखा समुदाय, इन सारे लोगों को जी। ये सब भारतीय तो हैं, यानी भारतीयता भारत के नागरिक हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकारें इन्हें अपना नहीं मानती, चाहे जो सरकार वहां थी उन्होंने इनको अपने में शामिल नहीं किया, न इन्हें वहां की कोई नौकरियां मिली। अच्छा, पहले क्या था, ये गोरखा समुदाय जो है ये सब जगह हम सब जानते हैं कि योद्धा कम्युनिटी है ये, और भारतीय सेनाओं में बहुत बहादुरी इन्होंने दिखाई है, जम्मू कश्मीर के बनने में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है जी। पर अब इन लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारों ने, यानी आप फौज में नहीं जा सकते, आप बॉर्डर सिक्योरिटी में नहीं, आप पुलिस में नहीं, तो वो एक जो जाति ही अपने आप में इसी योद्धा जाति, बलिदान देने वाली जाति, आपने उनके तो स्वभाव को ही नकार दिया। बिल्कुल, कोई अधिकार, यानी दादाजी मैं जिन परिवारों से मिली, दादा फौज में थे, उनको मेडल मिले हुए हैं, सजे हुए उनके मेडल, पिता उस समय के रिटायर्ड कोई व्यक्ति, और अब जो पीढ़ी है, यानी 70 साल पहले तक जो थे फौज में या उनका तो है सब कुछ, अब की जो पीढ़ी है, यहाँ पर इतना बुरा लगा वहां जाकर ये देखना कि ग्रेजुएट बच्चे नौजवान वहां पर मोमोज बेच रहे हैं,
सोचो क्या स्थिति होगी। फुटपाथ पर खड़े होकर वो ग्रेजुएट बीएससी पास लड़का, है ना, एलएलबी पास लड़का मोमो बेच रहा है, और वो कितना कमा लेगा कितना उस सड़क के कमाएगा। किनारे खड़ा होकर। और ये जो आपने कहानी कही है ना गोरखा समाज की, ये आप देखिए सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, ऐसे लोग हमें गोरखा समाज जहां भी दिखेगा हम उनको मोमोज वाला, नेपाली, चाइना वाला यही सब कह के पुकारते हैं उन लोगों को जो हमारे देश का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम और राज्यों में ये बहुत गलत मानसिकता है, वो चीज बदलनी चाहिए, पर और राज्यों में ये आजाद है अपने ढंग से जीने के लिए, बिल्कुल लेकिन जम्मू कश्मीर में तो इनके लिए कोई राह ही नहीं है, कुछ नहीं है। यानी उनको छोटी सी एक जमीन दे दी गई थी और अब वहां पर, उस समय एक मंजिल थी, अब उसके ऊपर एक कमरा और बना लिया, एक कमरा और बना लिया, पर कितने कमरे आप इतना ऊपर चढ़ा सकेंगे, ये तो ऐसी है नहीं। तो स्थिति बहुत बहुत भयावह है। बहुत दयनीय। और आपने इसके बाद एक कहानी लिखी है रुखसाना मेरी जान, जिसमें आपने महिलाओं के दर्द को केरा है कि वहां पर मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है। हमारे देश में अगर हम बाकी देशों की तुलना में देखें तो हमारे देश में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन उसी देश में एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर, वहां के हालात हम आपसे जानना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर का ये सामान्य तौर पर लोग ना यही मानकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो मुसलमान तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल महिलाएं भी, पर स्थिति ये नहीं है बहुत। क्योंकि चूंकि हुआ ये था कि इन लोगों ने, वहां की सरकारों ने अपने स्वार्थ के लिए भारतीय संविधान को वहां पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, 370 जो कि एक टेम्पररी आर्टिकल था, अनुच्छेद था, और उसकी आड़ में ये मनमानी करते रहे। तो ये जो महिला की, मैंने जब रुखसाना मेरी जान कहानी लिखी है, वहां की महिलाएं चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं या बौद्ध हैं, अगर ये महिलाएं पीआरसी, ये कहते थे परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, अब तो वो सारा कुछ खत्म हो गया है मामला, लेकिन अगर ये लड़की किसी गैर पीआरसी धारक से शादी कर लेती है, ऐसा नहीं है कि मनमानी से वो कर रही है, बाकायदा अरेंज मैरिजेस है ये, कहीं उन्होंने प्रेम विवाह भी हुए हैं, लेकिन चूंकि जिस परिवार में शादी हुई है उनके पास पीआरसी नहीं है, इस लड़की के अपने परिवार में था जी, इसके परिवार में मायके में पीआरसी थी, पर चूंकि अब जहां शादी हुई है वो गैर पीआरसी धारक है, इस महिला के सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, अब न वो वोट दे सकती है, उसे ससुराल छोड़ो माँ बाप की जायदाद का भी कोई हिस्सा नहीं मिलता है, तो उसके बच्चों को कोई अधिकार मिलता है, तो आपने तो उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बिल्कुल न वो वोट दे सकती है, कोई अधिकार नहीं। तो रुखसाना मेरी जान जो कहानी है, मुसलमान लड़की की कहानी है, और मैंने इसलिए वो कहानी लिखी कि जो लोगों के भीतर एक वो जो सोच है कि वो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, वहां बाकियों की, इन महिलाओं की स्थिति भी बहुत बुरी है। वो एक ऐसे परिवार में उसकी शादी होती है, ये लड़की शादी करती है रुखसाना, जिसका पति फौज में है और आतंकवादियों से वो लड़ता है, लेकिन बावजूद इसके रुखसाना को जम्मू कश्मीर स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसके पति के पास पीआरसी नहीं है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसने देश के लिए तमाम कुर्बानियां दी, हमारे यहाँ सेना में जो व्यक्ति होता है हम उसे कितनी सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रुखसाना की जो कहानी है उसमें इतनी ओहदे पर उसका पति है लेकिन फिर भी उसको सम्मान तो छोड़िए उसको जो अधिकार है वही नहीं प्राप्त हो पा रहे। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे आशा जी कि कश्मीर के दर्द को आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उकेरा है पन्नों पर, पीड़ा, दर्द, निराशा सब कुछ है, आखिर में अब जब 370 पैसे से हट चुका है तो एक गुजारिश क्या करना चाहेंगे, क्योंकि कागजी तौर पर तो सब हो चुका है लेकिन जब यहाँ की चीजें हैं वो बदलने में समय लेती हैं, तो ऐसे में क्या गुजारिश करना चाहेंगे आप? परिस्थितियां बदली हैं, बहुत बदली हैं, मैं तो इन लोगों के संपर्क में हूँ और लोग बहुत खुश हैं। हम ना क्या गलती करते हैं, हम जम्मू कश्मीर के कुछ जगह, यानी हम श्रीनगर में ऐसा हो गया, पुलवामा में हो गया जी, सिर्फ उतना ही, पूरा जम्मू कश्मीर नहीं है, श्रीनगर में भी कुछ हिस्सा है जहां पर डिस्टर्बेंस होता है, बाकी का जम्मू कश्मीर अमन पसंद लोग हैं,
वो शांति से जीना चाहते हैं, और इस 370 के हटने के बाद परिस्थितियां बहुत बदली हैं। देखिए अब वहां एजुकेशन बढ़िया होगी। अभी तक क्या होता था ना, बाहर के लोग जब पता है कि वहां जाकर हमें कुछ सुविधा मिलने वाली ही नहीं है, कौन जाना चाहेगा वहां? तो अच्छे स्कूल कॉलेजेस प्रोफेशनल वहां पर नहीं थे, अब वो खुल रहे हैं। व्यापार वहां अलग तरह से हो रहा है। पंचायत राज यानी राजीव गांधी जी का यह सपना था जी, पूरे हिंदुस्तान में वो लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में नहीं था। अब वहां पर जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारे इलेक्शन हुए वहां पर, अच्छा चूंकि संविधान लागू नहीं कर रहे थे लोग, महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में कोई रिजर्वेशन नहीं था। इस बार सैकड़ों महिलाओं ने इलेक्शन लड़ा है और बहुत सारी लड़कियां जीत कर आई हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान हैं, दलित लड़कियां आई हैं। तो तस्वीर तो बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और दुखद बात मुझे ये लगती है कि हमारा मीडिया जो है पता नहीं कौन से चश्मे पहन के चलता है और किस तरह की बातें करता है। कहीं पर ये उल्लेख यानी सक्सेस स्टोरीज आप दिखाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल, हमको हमको अपना हमको अपनी न्यूज बेचनी है तो उसे खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाना है। अगर आप ये कहने लगेंगे कि वहां तो अमन चैन हो रहा है, लोग अच्छा जी रहे हैं, तो कौन देखेगा आपका चैनल, है ना? बिल्कुल। तो वो एक बहुत गलत चीज है हमारे यहाँ, यानी जिसे मीडिया का अपना अपने एथिक्स कहा जाता है उसकी बात हम नहीं करते। वो दुखद लगता है मुझे। जी, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, सुन रही हूँ लोगों से, जो जान रही हूँ परिस्थितियां बहुत बदली हैं। पहले तो तिरंगा फहराना तो दंगे हो जाते थे, बिल्कुल, अब तो आप देखिए लोग तिरंगा फहरा रहे हैं, जनगण मन गा रहे हैं। तो स्थितियां बहुत बदली हैं, सुखद है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आपकी नजरों से इस वक्त की कश्मीर की तस्वीर मेरी आंखों के आगे नाच रही है, और यकीन कीजिए आशा जी, वो दिल को बहुत सुकून देने वाली है, बहुत सुकून देने वाली है। आप हमसे जुड़ी, आपने अपनी कहानी हमें बताई, और साथ ही साथ जो आपने पन्नों पर उकेरा, मैं वाकई कहती हूँ कि कश्मीर की स्थिति को समझना और उसके बाद आपसे सुनकर वो एक सुकून पाना कि हाँ कश्मीर में इतनी स्थिति बदल चुकी है, वाकई दिल को बहुत सुकून देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू गौरांशी, थैंक यू।